स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने आपको फंक्शन के बारे में बता दिया था कि फंक्शन होता क्या है, डोमेन, रेंज, वन वन, ऑन टू, इन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। आज हम देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और फंडामेंटल पीरियड का क्या कंसेप्ट होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन यदि हमें देखना है कि कोई भी फंक्शन आपको y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, मान लीजिए कोई आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, अब ये चेक करना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आती है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ टी पॉजिटिव, टी कोई भी एक रियल नंबर है और वो पॉजिटिव रियल नंबर है, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है और इसको आपको पीरियोडिक देखना है, तो मान लीजिए आपको कोई भी टी एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए, अब उस टी को एक्स के साथ ऐड करवाने पर आपको उस एफ एक्स में कोई चेंज नजर नहीं आता है, तो वो जो फंक्शन होगा वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। और जो स्मॉलेस्ट टी होता है ना, वो यहाँ पर फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सभी जानते हैं इस फंक्शन के बारे में, मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो हमने देखा है उस वीडियो में मैंने आपको साइन एक्स के बारे में बता दिया है। अब देखो यहां पर यदि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो यहां पर कोई पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, तो मान लीजिए मैं यहां पर एक टी की जगह पाई रखता हूं, तो पाई प्लस एक्स करूंगा। यदि पाई प्लस एक्स करने पर ये एफ एक्स वापिस आ जाए, इसका मतलब पाई यहां पर पीरियड हो जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं, मैंने यहां पर रैंडमली टी पाई लिया है, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस एक्स, और यहां से जो ये वैल्यू आएगी वो पाई प्लस है तो माइनस साइन एक्स आ जाएगी। लेके चले थे साइन एक्स प्लस साइन पाई प्लस एक्स और आ गया माइनस साइन एक्स, इसका मतलब पाई तो यहां पर पीरियड नहीं हो सकता है। मतलब अभी तक तो हम नहीं कह सकते कि ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब यहां पर हम टी को ले लें टू पाई, तो यहां देखना एफ ऑफ टू पाई प्लस एक्स, तो यहां से आएगा साइन टू पाई प्लस एक्स और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये साइन एक्स। तो लेके चले थे ये और अपने पास वापिस आ गया एफ एक्स, इसका मतलब यहां पर टू पाई जो होगा वो फंडामेंटल पीरियड होगा। और मैं यहां पर टू पाई इसलिए फंडामेंटल पीरियड बोल रहा हूं क्योंकि तो यहां पर ये स्मॉलेस्ट टी है, क्योंकि मैंने पाई रख के देखा तब तो यहां पर ये खुद नहीं आ रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। अब मैं पाई की जगह टू पाई रख के देख रहा हूं तो यहां पर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब कि यहां पर टू पाई जो होगा वो फंडामेंटल पीरियड होगा और जो फंक्शन साइन एक्स है वो पीरियोडिक हो जाएगा। अब इसको हम यदि ग्राफ की हेल्प से देखें कि ग्राफ की हेल्प से कैसे पता करेंगे कि ये पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, हम यहां पर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का देख रहे हैं। अच्छा यहां पर हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। यदि आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा भी डाउट है कि इसका मैं ग्राफ यहां पर कैसे बना रहा हूं, तो आप मेरे पुराने वीडियो देख लेना ताकि आपके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आएगा जीरो, या पाई, या टू पाई, या थ्री पाई, फिर यहां पर माइनस पाई, फिर यहां पर माइनस टू पाई आएगा। अब देखो यहां पर मुझे इसको बताना है कि पीरियोडिक होगा, तो ये कैसे हम बताएंगे। यदि मैं यहां पर ग्राफ यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये बढ़ता हुआ, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, यहां तक आया। अब यहां तक मैं यदि आया, अब इसके आगे जैसे ही जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वापस यहीं से स्टार्ट हो रहा हूं। देखो यहां गया, यहां गया, ये तो वापस ऐसा ही लगेगा कि यहां से मैं स्टार्ट हो रहा हूं, यहां से, यहां से, यहां से, यहां गया, फिर वापिस ये यहां आएगा, तो वापिस यहां से मुझे ऐसा लगेगा कि वापिस ये रिपीट हो रहा है। तो कुल मिला के देखो कि ये इस इंटरवल के बाद में वापिस ये रिपीट हो रहा है, तो इस इंटरवल को जो भी यहां पर आ रहा है जीरो से टू पाई, मतलब ये टू पाई लेंथ आ रही है और टू पाई लेंथ के बाद हर टू पाई लेंथ पे ये रिपीट कर रहा है, तो टू पाई यहां पर इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। और मुझे पता चल गया कि ये फंक्शन जो है ग्राफ जो है वो रिपीट कर रहा है टाइम के बाद, इसका मतलब ये पीरियोडिक है। इसी तरीके से हम साइन एक्स की जगह की तरह हम कॉस एक्स को भी देख सकते हैं कि वो पीरियोडिक होता है, और हम टेन एक्स को भी देख सकते हैं कि वो
पीरियडिक होता है। तो एक बार मैं cos x का और tan x का भी आपको बता देता हूं। अब देखो हम यदि cos x के बारे में देखें तो cos x का ग्राफ कैसे होता है, cos x का ग्राफ यहां पर ये जीरो पर तो वन वैल्यू देता है, फिर ये ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। यहां पर देखो ये जीरो, ये पाई बाय टू, ये थ्री पाई बाय टू, यहां पर माइनस पाई बाय टू और माइनस थ्री पाई बाय टू। अब देखो यहां से यदि मैं ग्राफ को यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं इस ग्राफ को यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया और यहां आगे रुक गया। अब जैसे ही मैं इस पॉइंट से आगे, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है टू पाई। अब टू पाई से जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो ये ग्राफ वापिस मुझे ऐसे दिखता हुआ मिलेगा। इसका मतलब जितना आपको ये ग्राफ जीरो से टू पाई में दिखाई दे रहा है जैसे का जैसे, वैसे का वैसे टू पाई के बाद में आपको ऐसा रिपीट होता हुआ दिखाई देगा और उसके आगे भी आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। और ये किस इंटरवल में रिपीट होगा, तो जीरो से टू पाई मतलब टू पाई के इंटरवल में ये रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर भी इसका फंडामेंटल पीरियड टू पाई होता है और ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो पीरियडिक फंक्शन है। हम यदि tan x के बारे में देखें तो tan x का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, तो देखो tan x का ग्राफ मैंने क्या बताया था, tan x का ग्राफ यहां से यदि ये जीरो लेके चले, ये पाई बाय टू ले, ये माइनस पाई बाय टू ले, ये पाई ले, ये थ्री पाई बाय टू ले, इसी तरीके से माइनस पाई ले और माइनस थ्री पाई बाय टू ले, तो इसका ग्राफ ऐसे चलता है। अब मुझे ये बताओ कि जो भी tan x का ग्राफ आ रहा है, जितना ये इस टुकड़े में आ रहा है, जितना इस इंटरवल में आ रहा है, उतना का उतना वापिस रिपीट हो रहा है, इस साइड भी रिपीट हो रहा है, आगे भी ऐसा का ऐसा रिपीट होता हुआ जाएगा। तो यहां पर इस इंटरवल की लेंथ कितनी आएगी, तो माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू मतलब ये पाई बाय टू लेंथ है और ये पाई बाय टू लेंथ है, तो टोटल लेंथ जो आएगी वो पाई लेंथ आएगी। तो यहां पर जो फंडामेंटल पीरियड होगा एफ पी वो होगा पाई, यहां पर जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो होगा टू पाई। तो tan x, sin x और cos x तीनों पीरियडिक फंक्शन होते हैं और sin x और cos x का फंडामेंटल पीरियड टू पाई होता है और tan x का फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। इसी तरीके से अब हम कुछ नॉन पीरियडिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट जो फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x। अब इस का हम यदि ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है f(x) इक्वल टू x टाइप का। अब इसका ग्राफ यदि हम ध्यान से देखें तो देखो कि क्या कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये ग्राफ उस इंटरवल के बाद में रिपीट हो रहा है, ये तो ग्राफ आपको नॉन रिपीटिंग दिखाई दे रहा है, मतलब आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा कि उस इंटरवल के बाद में ये रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। यहां से ये जो होगा वो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं आएगा। इसके अलावा हम यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स देखे या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब देखे, तो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो होता है इस टाइप से। तो ये भी देख लो आपको दिखाई देगा कि ये भी किसी भी एक इंटरवल के बाद में रिपीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये भी नॉन पीरियोडिक है। ये जो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये भी एक तरीके से नॉन पीरियोडिक होता है। तो हमने पीरियोडिक के एग्जाम्पल्स भी देख लिए और नॉन पीरियोडिक के एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब हम पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। देखो यदि मान लीजिए कोई आपको एफ एक्स फंक्शन दे रखा है और उसका एक आपको फंडामेंटल पीरियड टी दे रखा है, उसका एक पीरियड आपको दे रखा है कैपिटल टी। अब आपको एक पीरियड निकालना है किस फंक्शन का, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का, इसका आपको यदि पीरियड निकालना है तो सबसे पहले देखो ये f of ax plus b है, तो सबसे पहले ये fx जो फंक्शन होगा उसका पीरियड क्या आएगा, तो उसका पीरियड t होता है और यहां पर x का कोफिशियंट जो a आ रहा है उसका ले लो मॉड।
तो इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो टी अपॉन लॉग ए हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं, आपको यदि ये पूछा जाए कि साइन 3x प्लस 2 का पीरियड क्या होगा और साइन 3x का पीरियड क्या होगा, क्या इन दोनों का पीरियड अलग अलग होगा या फिर पीरियड एक ही होगा। देखो यदि आपको f ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड निकालना होता है तो आपको क्या ध्यान रखना होता है, x का कोफिशियंट। इस b से हमें कोई मतलब नहीं है, b हो या ना हो उसके पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट a में चेंज आते ही यहाँ पर पीरियड में चेंज आ जाएगा। बट यहाँ पर देखो जो b है वो तो 2 आ रहा है और यहाँ पर b 0 आ रहा है, तो b से तो पीरियड में कोई चेंज होता नहीं है, होता है x के कोफिशियंट से। यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब इसका पीरियड होगा वो सेम ही होगा। तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, तो वी नो दैट साइन एक्स का जो पीरियड होता है, हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2π होता है। बन तो रहा है साइन एक्स, साइन का साइन वाला फंक्शन ही तो है ना, तो सबसे पहले हम साइन एक्स का पीरियड निकालेंगे, तो ये 2π होता है अपॉन मॉड 3 कर लेंगे, तो यहां पर तो 3 तो पॉजिटिव है तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से यहां पर भी पीरियड 2π/3 होगा। यहां पर मैं यदि 3 की जगह -3 ले लूं तो क्या पीरियड चेंज होगा, तो मुझे पता है कि साइन एक्स का पीरियड तो होता है 2π और जो भी एक्स का कोफिशियंट आ रहा है उसका मॉड ले लो तो 2π/3 हो जाएगा। तो यहां पर ये पीरियड इसका ऐसे निकालेंगे। अब एक और रिजल्ट आता है जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या, अब हम एक दूसरा रिजल्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको एक फंक्शन दे रखा है fx और एक फंक्शन दे रखा है gx, दोनों फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक है इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड होगा। इसका यदि फंडामेंटल पीरियड मान लेते हैं m/n और इसका यदि फंडामेंटल पीरियड मान लेते हैं p/q। अब आपको पीरियड निकालना है fx प्लस gx का, या फिर हो सकता है कि ऐसा फंक्शन दिया होगा f प्लस gx का, मतलब इन दोनों के सम का यदि आपको पीरियड निकालना है और इनका अलग अलग का पीरियड आपको दिया हुआ है, तो इसका जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा। देखो यहां पर ऊपर वाले कौन से है, यहां पर ऊपर है m और p और नीचे कौन से है n और q। अब ऊपर वाले का लेना है LCM और नीचे वाले का लेना है HCF, मतलब GCD। ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का GCD। अब एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कोई भी आपको fx फंक्शन दे रखा है जिसका पीरियड 1/2 है और gx फंक्शन दे रखा है जिसका पीरियड 3/4 है। अब आपको निकालना है f प्लस gx का पीरियड, तो ऊपर वाले का LCM मतलब LCM ऑफ 1 और 3 और HCF ऑफ 2 और 4। तो यहां पर LCM क्या आएगा, तो यहां पर LCM 3 आएगा, यहां पर HCF क्या आएगा तो वो 2 आएगा। इसका मतलब इसके सम का जो पीरियड होगा वो 3/2 आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे यहां पर फंडामेंटल पीरियड निकाल सकते हैं। आपको यदि fx tan 4x-3 दे रखा है और इसका आपको यदि पीरियड निकालना है, तो वी नो दैट tan x का पीरियड पाई होता है, तो tan 4x-3 का जो पीरियड होगा वो पाई अपॉन 4 हो जाएगा। 4 इसलिए x का कोफिशियंट यहां पर 4 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी पीरियोडिक फंक्शन का जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और हम किस तरीके से रिजल्ट को यूज करते हैं। आपको यदि f ऑफ a प्लस ax प्लस b टाइप का फंक्शन दे रखा है तो उसका पीरियड निकालना है तो कैसे निकालना है, सम फंक्शन सम ऑफ टू फंक्शन का आपको पीरियड निकालना है तो कैसा कैसे निकालना होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, यदि ये कॉन्टेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिन लोगों को जरूरत है इस कॉन्टेंट की, उन लोगों तक पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।